दिल्ली की बादली विधानसभा में स्वरूप नगर के सभी ब्लॉक के सिविल लाइन निर्माण का कार्य का उद्घाटन विधायक अजेश यादव द्वारा किया गया। ये उद्घाटन किसी एक ब्लॉक का नहीं बल्कि पूरे स्वरूप नगर के सभी ब्लॉक का था जी। तो स्वरूप नगर में क्या है कि गलियों का टेंडर हो चुका है, सारी गलियां बनने जा रही है ए ब्लॉक से लेके और जेड तक। ये विजय चौक है, लगभग 2 किलोमीटर तक का ये दूरी है और अगर लगाए तो ये सैकड़ों करोड़ के काम है और ये पूरी कॉलोनी में सीवर लाइन डलेगी और सारी गलियां बनेगी। तो हमने कहा कि भाई गलियां जब बन रही है और बाद में सीवर डालेंगे ये गली फिर तोड़नी पड़ेगी। हमारी सरकार तो एक एक पैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का ये फायदा है कि कुछ दिन बाद फिर गली टूटेंगी, तो क्यों ना हम पहले सीवर भी डाल दें और गली भी डाल दें, सरकार का भी पैसा बचेगा और जनता का भी भला होगा। सबसे ज्यादा परेशान स्वरूप नगर रोड से है लोग, जो उधर की तरफ कुशक रोड अक्टूबर के महीने में कुशक रोड बना के दे देंगे, 2,89,00,000 का उसका भी टेंडर हो गया। उसके बाद वहाँ का काम कितने दिन में तैयार हो जाएगा, कितने लागत होगी? मेरे यहाँ एक भी काम नहीं बचेगा चुनाव से पहले। इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने विधायक अजेश यादव का स्वागत किया। साथ ही अजेश यादव ने बताया कि 15 दिन में गलियों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, खंभों पर ऑटोमेटिक लाइट लगेंगी। जिस तरह से युद्ध स्तर पर केजरीवाल सरकार काम कर रही है उससे दिल्ली के लोगों के दिल में केजरीवाल सरकार के लिए और ज्यादा जगह बनती जा रही है। दिल्ली विधानसभा के स्वरूप नगर इलाके में मौजूद है। बरसात के अंदर कई बार गलियों में घरों में पानी भर जाता था, जिसकी किल्लत जिसकी समस्या से लोग काफी परेशान थे। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवर डालने का काम शुरू कर दिया गया है। पूरी विधानसभा के अंदर विधायक अजेश यादव ने अलग अलग तरीके के कार्य कराए हैं। यहाँ पर जो है तो उनको यहाँ पहले हो रही थी और अब पानी को जो पहले बरसात होती थी पानी का कभी यहाँ भरता था, जो सीवर लाइन डाली गई कितना फायदा होगा इसका? हाँ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे आज तक तो हमारी कॉलोनी के अंदर पानी भरा नहीं है, पर जब से हमारे अजेश यादव जी आए हैं तो काम चल ही रहा है। पहले हमारे यहाँ पर पीने का पानी के नहीं था, उसकी सुविधा दी है उन्होंने और आज ही ये इन्होंने उद्घाटन करवाया हमारे से कि भाई सीवर लाइन का बहुत ज्यादा कंपलसरी है यहाँ पर। ऐसी क्या विशेष जरूरत पड़ी थी सीवर लाइन की जब पानी यहाँ पर जमा ही नहीं होता बरसात में? मतलब दिक्कत तो थी, हर कोई चाहता ही है कि अपनी सुविधा मिले। ये तो जन सुविधा वाली बात आ गई, इसके अंदर के सिविल लाइन अगर डल जाएगी तो काफी हमारी कॉलोनी का डेवलप हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत अच्छा काम है। इससे अलावा और क्या कुछ काम कराया आपकी? नहीं, इससे पहले पानी की लाइन डली थी, उसके बाद सीवर की लाइन डली, धीरे धीरे हो रहा है काम। 2015 से लाइटें भी कई जगह लगाए हैं, बिजली का भी कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री, वो भी बोल रहे हैं अभी, और वो भी वो किराएदारों के लिए भी ऐलान कराया है उन्होंने। तो पहले भी देवेंद्र यादव यहाँ विधायक रहे थे तो कितना काम हुआ था? स्वरूप नगर काफी प्रसिद्ध था उनके मामले। सर जी उस टाइम तो अभी तक तो उनको दिखाया नहीं उन्होंने। हमारे तो ब्लॉक के अंदर पानी भरा रहता था, नालियां भरी रहती है। एक बार जेसीबी भी आई, कम से वो आया था काउंसलर जो राणा जी, उनको पब्लिक ने भड़का के भगा दिया, कर काम नहीं करने दिया। तो पूरी विधानसभा में अगर बात करें तो सर किस किस तरह के काम चल रहे हैं आपके नेतृत्व में? आप यहाँ रहते हैं नजदीक, आम पार्टी काम कर रही है भाई। किस तरह के काम चल रहे हैं? तो सिविल लाइन का काम होगा, सब तरह काम चल रही है, सब तरह काम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं जब से है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो विधायक है अजेश यादव बादली विधानसभा में अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं और जगह जगह पूरी विधानसभा में अलग अलग तरीके के काम चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी बरसात में कितनी दिक्कत होती है और जो गर्मी आती है उसमें पानी की कितनी किल्लत होती है। नसीम अहमद, डबल न्यूज़, दिल्ली।